बेटी बेगम सफदरवान साहिबा और मीम लीग और नून लीग जो मिलके इस वक्त पाकिस्तान को कमज़ोर करने के हवाले से जो एक साजिश कर रही हैं, उनके हवाले से मैं आपको एक ताज़ा तरीन ये इंकशाफ कर दूँ कि आले शरीफ के अंदर सख्त किस्म की फूट पड़ चुकी है और बेगम सफदर अवान साहिबा ने सलाह मशवरे शुरू कर दिए हैं वकीलों के साथ कि वो मुस्लिम लीग नून को अपने नाम से रजिस्टर्ड करवाने की वो सारे सलाह मशवरे कम्प्लीट कर लिए हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग जो है वो शहबाज शरीफ साहब के नाम से और शहबाज शरीफ साहब की सदारत के अंदर जो है वो इस वक्त कायम है इलेक्शन कमीशन के कागज़ों में। मेरी परसों रात की जो इतला है उसके मुताबिक जो मेरे शाहीनों ने मुझे दी है कि बेगम सफदर अवान साहिबा अपने तई तय कर चुकी हैं कि वो अब नून लीग को जो है वो अपने नाम से रजिस्टर्ड करा के सारा कंट्रोल अपने उसके संभालेंगी। और शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली पिछले कई हफ्तों से उनका आना जाना जाती उम्र में बंद हो चुका है और इस पूरे इख्तलाफ की जो बुनियादी किरदार है वो आसिफ करमानी और तारिक फातमी हैं जिन्होंने अपना पूरा रोल प्ले किया है। और बुनियादी वजह इख्तलाफ की अभी ताज़ा तरीन जो है वो बेगम सफदर अवान साहिबा के जो मामू जाद भाई मोहसन लतीफ़ के ऊपर जो है वो नैब का केस हुआ है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है बेगम सफदर अवान साहिबा का कि ये केस बुनियादी तौर पे हमजा शहबाज पे होना चाहिए था, औकाफ की ज़मीनें हमजा शहबाज ने एलोकेट की थी, लेकिन बड़ी चलाकी के साथ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने बकौल उनके बेगम सफदर अवान के और उनकी बाकी सारी फैमिली के, और मेरी रिपोर्ट यह है कि अब्बास शरीफ साहब की फैमिली भी सारी वो बेगम सफदर अवान के साथ मिल चुकी है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने कोई चलाकी करके कोई मामलात करके दाएं बाएं इन्होंने मोहसिन लतीफ़ को और एहसन लतीफ़ को जो है वो फंसाया है, जिसकी वजह से अब खुल खुला के इनके रस्ते जुदा हो चुके हैं और ये अपने नाम से जनाब पार्टी रजिस्टर करवाने के चक्रों में हैं। और दूसरा इंकशाफ ये है जो मेरे शाहीनों ने मुझे दिया वो ये कि मौलाना फजलुर्रहमान साहब ने परसों रात को नवाज शरीफ साहब को और बेगम सफदरवान साहिबा को मैसेज भिजवाया है जिस दिन उन्होंने तकरीर की अयाज सादिक साहब ने उस दिन रात को, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को और बेगम सफदरवान साहिबा को कहा कि हम आपके बयानिया का बोझ ज़्यादा देर तक नहीं उठा सकते। और फिर परसों रात को मौलाना फजलुर्रहमान साहब की पार्टी की हायर लीडरशिप का एक वफद जाती उमरा गया, वहाँ पर कई घंटे उनकी मुलाकात हुई, वहाँ से नवाज शरीफ साहब से राबता किया गया और उन्होंने अपनी एप्रीहेंशन अपनी पार्टी की और मौलाना फजलुर्रहमान साहब की उनके सामने रख दी कि आपका बयानिया अब हमारी मजीद सकत नहीं है कि हम उठा सकें। और दूसरी चीज़ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट आपके सामने रख दूँ, मौलाना अनस नूरानी साहब ने इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली जो कुछ कहा था, मैं रात को चूरा शरीफ की जो है वो सालाना 45वीं महफिल मिलाद के ऊपर शरीक था, वहाँ पे मुझे सजादा नशीन हज़रत अल्लामा पीर शरीयत रहबर शरीयत पीर तरीकियत कबीर अली शाह साहब हमदानी मुजद्दी गिलानी उनके रहमतुल्लाह अलैह के बेटे के जो इस वक्त सजादा नशीन हैं, उन्होंने मुझे बड़ी डिटेल से बताया कि अनस नूरानी साहब की पूरे पाकिस्तान के अंदर अहले सुन्नत स्वाद आज़म के जो जितने नुमाइंदा दरगाहें हैं आस्ताना आलिया हैं जितने उलमा हैं उन्होंने क्वेटा जलसे के बाद मुतफिक्का तौर पे उनको अल्टीमेटम दिया है कि अनस नूरानी साहब आप जिस बाप की औलाद हैं उनका नाम पाकिस्तान नहीं उम्मत मुस्लिमा के मुसलमान लीडरों के हवाले से जाना माना और पहचाना जाता है शाह अहमद नूरानी साहब का, उनकी इज्जत उनका वक़ार उनका इश्क रसालत उनका ख़त्म नबूवत के लिए भाग दौड़ उनकी नामूस रसालत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी उनकी उम्मत मुस्लिमा और इस्लाम की तरवीज के लिए कुर्बानियाँ वो इतनी लाजवाल हैं, लेकिन हमें शर्म महसूस होती है। ये बाकायदा मैसेज दिया है आस्ताना आलिया जितनी उनसे रेलिवेंट हैं जितने दरगाहें हैं जितने उलमा हैं अहले सुन्नत के लीडिंग, उन्होंने अनस नूरानी साहब को अल्टीमेटम दिया है कि हमारा मन गवारा नहीं करता कि आपके दाएँ जनाब महमूद खान अचकज़ई हो और आपके बाएँ आपका जनाब असफंद यार वली हो और उसके साथ बेगम सफदर अवान हो और उसके साथ बिलावल जरदारी हो, यह हमारा तन बदन में आग लग जाती है स्वाद आज़म अहले सुन्नत की जनाब उलमा को और इस तमाम लीडिंग पर्सनैलिटीज़ को, और उन्होंने उन्हें अल्टीमेटम दिया है कि आप जल्दी से अपना कोई बंदोबस्त कर लें अपना लाइन ऑफ एक्शन तय कर लें। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर्रहमान साहब का राइट हैंड जितने इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं
उन्होंने भी उनको मैसेज दिया है और एक वीडियो बड़ी वायरल हुई हुई है एक आलम दीन की, जो उनका बड़ा क्लोज क्वेटा का जनाब उनका साथी है, उसने कहा कि हमें शर्म महसूस होती है, हमने आलमी इस्तेमार का मुकाबला किया, हमने इस खत्ते के अंदर जो जो आलमी इस्तेमार की कुवतें और ताकतें आई, हमने आपके अकीदा दारुल उलूम देवबंद के जनाब छतरी तले यहाँ पर बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, लेकिन शर्म से हमारा सर झुक जाता है जब हम महमूद खान चकजई को, असफन यार वली को और उस बेगम सफदर अवान और नवाज शरीफ को और बिलावल जरदारी का, जब आप माई बाप बने हुए हम आपको देखते हैं तो हमें बड़ी शर्म महसूस होती है, हम आपके इस बयानिए को और आपके मौजूदा इस स्ट्रगल को जो है वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उनको भी इंटरनली बड़ा सख्त प्रेशर आ गया और मैंने एक बात कही थी कि जितना मीम लीग को और नून लीग को खुल के मौका दिया जाएगा और खसूसन मीम लीग को, वो अपनी पार्टी का भी बेड़ा गर्क करेगी और वो अपने साथ जितनी मिक्स अचार पार्टी है उसका भी बेड़ा गर्क करेगी और वही चीज़ अब आपके सामने आना शुरू होगी। और आखिरी इशू जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आज से दो दिन पहले या सादिक साहब ने जो बयान दिया असम्बली के फ्लोर पर, कल मुझे इंडियन चैनल रिपब्लिक उसमें मेजर गौरव आर्या जो बदनामे जमाना थर्ड क्लास और घटिया किस्म का एक रिटायर्ड मेजर साबिक डायरेक्टर है रॉ का, जिसके अंग अंग के अंदर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जहर भरा हुआ है और अपनी तरफ से बड़ा तुरम खान बनता है लेकिन टके आने का वो नहीं है, उसकी मैंने 2015, 16, 17, 18 चार साल में टीवी चैनल्स इंडिया के बैठ के मैंने उसकी बैंड बजाता रहा हूँ, लेकिन पिछले दो साल से जब से मैं मिनिस्टर बना था मैं इनके टॉक शोज में नहीं जाता था, क्योंकि इंडियन रॉ के एजेंडे पे और उनके टकों पे और उनके पैसों पे और उनके इशारों पे चलने वाला 100% इंडियन मीडिया 100%, उनमें रिपब्लिक टीवी जो है वो इंडियन रॉ का अपना टीवी है,